27 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी भरत जीत सोनी के यहाँ दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अनुज प्रताप सिंह को आज उन्नाव में एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव के रहने वाले हैं अनुज प्रताप सिंह। एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव की भी इच्छा पूरी हो गई, ठाकुर का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 35 से 40 मुकदमे वाले आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, एक दो मुकदमे वाले आरोपियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास एक दो केस हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। सुल्तानपुर सराफा कारोबारी के यहाँ डकैती की घटना में 14 से 15 अभियुक्त नामजद किए गए थे, जिनमें से 9 लोगों को करीब गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 को एसटीएफ ने मार गिराया है। बीते 5 सितंबर को मंगेश यादव का सुल्तानपुर में एनकाउंटर में ढेर किया गया था, तो वहीं आज अमेठी के अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। इस मामले में 3 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, जिन पर 1,00,000 का इनाम घोषित है। सुल्तानपुर पुलिस अमेठी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। जो 3 फरार चल रहे हैं, ये यूपी पुलिस की तरफ से जो एक फ़ोटो जारी की गई थी, उनमें सराफा कारोबारी की दुकान में घुसकर लूट को अंजाम देने वाले अभियुक्त हैं, अरबाज फुरकान और अंकित प्रतापगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है और जल्द ही सबकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पप्पू पांडे, न्यूज 18, अमेठी।